कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 43 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। सूची में 15 मंत्रियों को भी टिकट दिया गया। सीएम गहलोत के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, परसादी लाल मीणा और अर्जुन सिंह बामनिया का नाम भी शामिल है। खाचरियावास सिविल लाइन से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ निरंजन आर्य को भी सोजत से प्रत्याशी बनाया गया है। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो निरंजन आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फर्स्ट इंडिया के मंच पर। और आपकी जिस तरह से प्रशासनिक पारी रही है, बहुत सफलतापूर्वक रही है, और अब आप राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे आपसे बात करने का अवसर दिया जी। आज की जो ये घोषणा हुई है, इस घोषणा के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं चूंकि प्रशासनिक सेवाओं में रह चुका, आप सभी जानते हैं मैं सरकारी नौकर था, और उसके बाद अब मैं सरकारी सेवक, जनता के सेवक के रूप में पुनः एक नई पारी खेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे पूरी आशा विश्वास है कि मेरा अनुभव और मेरी जो जिसे कहना चाहिए नॉलेज है काम के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, उसको हम आम आदमी के लिए, जनता के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कैसे लगाएं और सरकारी रीति नीति पॉलिसीज में उसका क्या योगदान हो, उसको हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। निरंजन आर्य जी, किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं आप? देखिए, राजस्थान में वर्तमान सरकार और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि मैं 2 साल से स्वयं सोजत विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में घूम रहा हूं, देख रहा हूं, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत बड़ा लोगों में इस बात का संतोष है कि व्यक्ति के हर क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जुड़ी हुई निदान और समस्याओं के समाधान के लिए जो सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए, वो बहुत ही अभूतपूर्व कार्य, अभूतपूर्व योजनाएं राजस्थान में इस बात बनी है। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सरकार की योजनाएं और उन योजनाओं का जो कल्याणकारी कार्य जो लोगों के इम्पैक्ट हुआ है, मैं सोचता हूँ जनता बहुत खुश है। कांग्रेस की रीतियां हैं, कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की जो फिलॉसफी है, जो उन सिद्धांतों पर आधारित जो हमारा जिसे कहना चाहिए समाज का एक समग्र विकास हमको आगे ले जाना, वो भी हमारा एक दूसरा मुद्दा होगा। फिर तीसरा जो हमें क्षेत्र के सोजत के क्षेत्र के विकास के लिए जिन योजनाओं को काम में अभी प्रारंभ कर चुका हूँ, उन योजनाओं को समापन तक, तार्किक बनने तक ले जाने के लिए भी मैं सोचता हूँ कि जनता के समक्ष हम जाएंगे। चलिए, शुक्रिया निरंजन आर्य जी आपका बहुत बहुत फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, निरंजन आर्य जो कि इससे पहले सीएस रहे हैं, पूर्व सीएस राजस्थान के, उनका कार्यकाल जिस तरह का रहा, कोरोना काल के दौरान जिस तरह की नीतियां सरकार ने बनाई थी उसमें बेहद सक्रिय भागीदारी इनकी भी रही थी, क्योंकि योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, मॉनिटरिंग की किस तरह से की जाए, विशेष तौर पर इस पर फोकस रहा, और अब चुनावी मैदान में भी दिखाई देने वाले हैं।